रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काजमी। नाजीन, सबसे इम्पोर्टेंट जो इन दिनों में बातें हो रही हैं, वो आप लोगों ने कुछ बहुत सी चीजें सुनी होंगी, जिनमें सबसे पहले सऊदी अरब में बगावत का बहुत तذکرہ किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि उसमें जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है वो शायद जख्मी है। बहुत से जो सऊदी ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन हमारे जो मीडिया के जो एंकर्स हैं उनके प्रोग्राम इस पर बहुत आए कि बहुत से लोगों की तरफ से बातचीत हुई कि वहां पर कर्फ्यू लग गया है, वहां पर अब जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि जो रोकथाम की जा रही है मोहम्मद बिन सलमान साहब और शाही खानदान के जो भी हालात है वो आपके सामने, उस पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा IMF ने रिसेंटली पाकिस्तान के जो कर्जे, जो आपने इमरान खान साहब की 3-4 दिन पहले एक प्ली सुनी थी जो उन्होंने ट्रैक सूट में की थी, उस पर IMF के कर्जे और 2022 तक जो काफी हद तक पाकिस्तान को रिलैक्सेशन मिली है उस पर भी हम आज बात करेंगे। और उसके अलावा जो हमारे साथ रमजान का महीना आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और मस्जिदों में जिस तरह आपको पता है कुछ मशरूत इजाजत भी मिली है, और उस पर भी हम बात करेंगे कि लोगों की उस पर क्या राय है और क्या सोचते हैं। इन तमाम चीजों पे बहुत सारी बातें करनी थी, मेरे पास काफी सारे गेस्ट थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्त खुर्रम खटक से बात करूं। अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे ज्वाइन किया, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा खुर्रम, ये बताएं, कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा, फिर आपको मैं चांस दूंगा, आप मुझे अक्सर गिला करते हैं, फिर आप भी मेरे से कुछ सवाल कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जो रिसेंट आपके ख्याल में जो लॉकडाउन, सॉरी जो कर्फ्यू सिचुएशन सऊदी अरब में, उसमें मेरे साथ आसिम होंगे अभी, मलिक आसिम, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया उर्दू टीवी के वहां के सऊदी अरब में नुमाइंदे हैं, उनकी कुछ रिपोर्ट है, वो अभी हम उसमें जरूर प्रोग्राम में दिखाएं, क्योंकि ये लाइव जा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले आपसे बात करूं। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में ये खबर गर्दश कर रही है कि वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जख्मी है और उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये बेबुनियाद खबरें हैं और वो बिल्कुल खैर खैरियत से हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जी टीवी रेडियो स्टेशन पर भी फ़ौज तैनात कर दी गई है और मक्का मुकरमा पर फ़ौज का कब्जा है। ये अपना अफ्रीका के लोग हैं और उसके बाद बांग्लादेश के लोग हैं, बर्मा के लोग हैं, तो ये इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे थे और ये कोरोना वायरस के हवाले से ये कोरोना वायरस फैलता जा रहा था, तो इसकी वजह से इनको ये फौज तैनात करनी पड़ी मक्का मुकरमा में। तो बताएं आप क्या सोच रहे हैं जो इन दिनों रिसेंट सिचुएशन, सबसे पहले तो लॉकडाउन घर में, तो आपको आपके ख्याल में जो मैंने भी कुछ सिनेरियो बताए हैं 3-4 किस्म के, इन पर आप क्या कहते हैं? देखिए लॉकडाउन के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, एक तो एक ऐसी चीज है, कानून है जो कि हम सबको एक फॉलो करना है, और कानून कुछ सोच के बनाया जाता है, उसमें कुछ मसले होती है, जरूरी नहीं हर कानून से बंदा जो है ना वो इत्तेफाक करे, मगर ये कि जब आप ब्रॉडर सेंस में देखते हैं तो कानून को फॉलो करने से एक जनरल पब्लिक और ज्यादा लोग जो है ना उससे मुस्तफीद होते हैं। मैं रोड पे 60 किलोमीटर चलाने का कानून है, मैं 70 पे भी सेफली चला सकता हूँ, और कुछ ऐसे लोग हैं जो जो कानून को बनाया जाता है तो देखा जाता है हर किस्म का लोग, कहीं ऐसे तो नहीं कि कुछ उसमें वल्नरेबल लोग हों या ऐसे लोग जो गलती कर सके, तो कानून को फॉलो अगर हम इस नजरिए से करेंगे तो शायद हमें थोड़ी आसानी होगी फॉलो करने में। तो मेरा ख्याल में फॉलो करना चाहिए, लॉकडाउन बहुत जरूरी है। मैं एक थोड़ी सी मिथ लॉकडाउन के बारे में जरूर बताऊंगा कि लोग ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन हो जाएगा और ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। ये कोरोना वायरस लॉकडाउन का खत्म करने से कोई ताल्लुक नहीं है, लॉकडाउन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जिस रफ्तार से कोरोना वायरस फैल रहा था या जो हुकूमतों को जो खदशा था कि इतना फैल जाएगा कि हम उसको संभाल नहीं सकेंगे, और जब संभालने का मतलब हमारे पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, जब एक हॉस्पिटल की कैपेसिटी अगर 500 बेड्स की है और वहां पे अगर 5000 बंदा चला जाएगा तो उसको आप नहीं संभाल सकते, वो 500 का इलाज नहीं हो सकता। तो ये कोरोना वायरस का इलाज नहीं है अभी तक, ये लोगों को होगा, मगर इस तरह होना चाहिए कि उसको संभाला भी जा सके। तो जो मेरा मकसद सारा ये है कि लॉकडाउन को अगर हम इस तरह समझें कि इससे हम अपने मेडिकल के जो हमारे जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो बाकी पैरामेडिक्स हैं, उसको इस ताकत में रखने के लिए कि वो हमारा इलाज कर सके, इसलिए लॉकडाउन को हमें फॉलो करना। खटक साहब, जब ये लॉकडाउन उठाया जाएगा, जाहिर है उठाना तो पड़ेगा, आज उठाएं, महीने बाद उठाएं, 2 महीने बाद उठाएं, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये तो टेम्पररी फेज है ना, इसमें हम आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। जिस वक्त ये लॉकडाउन उठाया जाएगा, लोगों ने तो मिलना है आपस में, रोजमर्रा जिंदगी के जो काम करने हैं, रोजगार चलाने हैं, अपनी इबादत करनी है, तो फिर उस वक्त फिर जब हम मिलेंगे तो फिर नई लहर आएगी, तो फिर ये एपिसोड होगी, तो उस लॉकडाउन का क्या फायदा होगा फिर?
ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, और मैं जरूर इस तरह, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जिस कोरोना वायरस से पहले जो हम जिंदगी गुजार रहे थे और कोरोना वायरस के बाद जो हम जिंदगी गुजारेंगे उसमें जरूरी जरूर तब्दीली आनी है। वैसे हम जिंदगी बिल्कुल नहीं गुजार सकते, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से ना एक हमें रीस्टार्ट दिया गया है सोचने का कि हम जो कुछ कर रहे थे क्या वो सारे का सारा ठीक था, और हमारे पास अब एक गुंजाइश आ गई है कि जो चीजें ठीक नहीं है हम उनको ठीक कर सके। देखिये लॉकडाउन उठने का मतलब ये नहीं कि कल सारे के सारे एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाए। लॉकडाउन उठने का मतलब ये है कि स्लोली आप अपनी जो नॉर्मल जिंदगी है उसकी तरफ वापस आए। अगर मैं आप मेरे दोस्त हैं, अगर कोरोना वायरस लॉकडाउन कल को भी हो जाएगा तो मैं आपसे आते सारी गले नहीं मिलूंगा। उसकी वजह ये नहीं कि मुझे आपसे प्यार नहीं है या आपसे मोहब्बत नहीं है, मैं इसलिए कि आप सेफ रहे मैं सेफ रहूं। तो हमें लॉकडाउन के बाद भी बहुत सी चीजों का ख्याल करना है। इसका मतलब है खटक साहब, ये जो ईद आ रही है इस पर हम लोग ऐसे ही जो है जूम स्काइप और ऑनलाइन जो वर्चुअल हमारी ईद मिलेंगे इसी तरह मिलेंगे अब हम। देखिए जब 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 मजबूरी हो और जब इस तरह की प्रॉब्लम हो, जब मैं समझता हूँ और मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि आपकी वजह से शायद मुझे ना हो मगर मेरी वजह से आपको हो सकता है, और अगर मुझे कैसी बीमारी हो जो मुझे पता हो कि मेरी वजह से आपको हो जाएगी तो मैं आपसे क्यों मिलूं। अमेरिका में ट्रंप जो है उन्होंने एक बात की है कि उन्होंने कहा जो बिल गेट्स का एक प्रेडिक्टेड कंटेजन मॉडल था कि जिसके मुताबिक वो बता रहे थे कि एस्टिमेटेड पढ़े लिखे अंदाजे के मुताबिक जो बिल गेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है कि कितने लोग आने वाले दिनों में जो है वो इससे हलाक हो सकते हैं। तो ट्रंप इंतजामिया ने भी रिसेंटली उनकी स्पीच उन्होंने उठा के इसको साइड पे कर दिया है, और अब उन्होंने ये सोचा है कि अब हम जो अपनी रियलिटी मॉडल है कि वाकई कितने लोग इससे जो है वो दुनिया से जा रहे हैं हम उस पर चलेंगे। एक बात दूसरी ये हमने नोट किया है कि कोरोना वायरस के आने के बाद बाकी तमाम बीमारियां जैसे खत्म हो गई हैं। कब्रिस्तानों में आप देखें, अगर तो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 41 कब्रिस्तानों की रिपोर्ट जो आई थी अभी सोशल मीडिया पर, उसमें गोरकन कह रहे हैं कि लोग अब मतलब मरते ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है नहीं मरते। तो इसका मतलब है जो हादसात पहले 43% कम हुए हैं, तो इसका क्या आप समझते हैं? दो सवाल मैंने आपके सामने रख दिए, एक वो ट्रंप साहब का जो अमरीका में जो फर्स्ट मई से कर रहे हैं, और दूसरा ये जो हलाकतें तो कम हो गई हैं बल्कि। देखिए मैं आपने जब पहले हुकूमतों की बात की तो हमें थोड़ा सा उस जाविये से सोचना पड़ेगा कि वाकई जो वो बात कह रहे हैं वो सारी की सारी ठीक है या उनका जो मेन मकसद है वो कुछ और है। देखिये अमेरिका बादशाह आदमी है, वो जिस तरह के काम करता है वो जो चीजें सोचता है वो हम आम आदमी नहीं सोचते। उसने अगर एक मुल्क पे कब्जा करना है तो उसको ये परवाह नहीं कितने लोग मर जाएंगे, वो ये देखता है कि मेरी इकोनॉमी और मेरी पावर कितनी होगी। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो अमेरिका दूसरी कौमों के साथ करता था उसने अब अपनी कौम के साथ करना शुरू कर दिया। देखिए अमवात हो रही हैं, जितनी अमवात अभी हुई है ये 9/11 में भी नहीं हुई थी जो उसने दुनिया तब्दील करके रख दी और उसमें बमबारी कर दी। बात सिर्फ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि क्या इस लॉकडाउन की वजह से या इतना बचाव की वजह से हम सर्वाइव कर सकेंगे कि नहीं। जो उनका एग्जिस्टिंग मॉडल है बिजनेस का, उनकी इकोनॉमी का, वो सफर हो रहा है। तो मैं इस बात पे बड़ा यकीन रखता हूँ कि ट्रंप साहब को किसी की लाइफ से कोई सरोकार नहीं है, एज फार एज कि वो उनका सिस्टम चले, उनकी इकोनॉमी चले और उनकी पावर रहे। हाँ कुछ लोग मर जाने से या जो उनके हिसाब से कि अगर जाया भी हो गए तो कोई बात नहीं, हमारी इकोनॉमी मजबूत रहेगी और हम दुनिया को लीड करते रहेंगे। तो ये सौदा वो इस तरह देखते हैं, मैं और आप जरा इंसानियत के उस पर देखते हैं ना। अच्छा खटक साहब एक बात बताएं, ठीक है आपका ये पॉइंट, मुझे एक बात बताएं कि अभी दुनिया भर में लोग जो है वो चाइना को इसका इल्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी सारी जो शायद वो कहते हैं चाइना ने किया है सब। दूसरी तरफ जो अमेरिका के लोग हैं, मतलब जो लोग चाइनीज लोग हैं, वो कहते हैं ये तो अमेरिका ने किया है हमारे साथ। तो अभी तो चाइना तो दुनिया की मदद के लिए कैरेबियन में भी या लैटिन अमेरिका चले जाए, आप कहाँ भी चले जाए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी, पाकिस्तान में भी, सब जगह दुनिया भर में इमदादी सामान भेज रहा है, जबकि अमरीका जो है वो वेनेजुएला जैसे मुल्कों पर कब्जा कर रहा है, इन्वेडिंग की भी उसकी एक अपनी हिस्ट्री है। तो चाइना पर जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज क्लियर किया है कि आज हमने जो वायरस क्लियर कर दिया, तो क्या आप उन्हें उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज कहेंगे, उनका तजर्बा कहेंगे, उनका जो एक सिस्टम है, जिस तरह उनकी एक गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक नहीं है, वो जिस तरह चलाते हैं उस सिस्टम को, लोग मानते हैं बात मजबूरन या खुशी से उन्हें करना पड़ता है, उन्होंने जिस तरह इस वायरस को खत्म किया, तो आपको लगता है कि इसकी वजह क्या अमरीका है या चाइना? आपकी अपनी जाती सोच क्या है? देखिए मैं तो इस बात को बिल्कुल आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस कि आप चाइना को ब्लेम दें इस वायरस का। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जिस तरह हम देखते हैं ये एक कुदरती आफत के तौर पे ही आई है। हाँ ये लोगों ने कहा कि थी ये शायद चमगादड़ खाने से या कोई ऐसी जंगली जानवर खाने से हुई है, तो वो तो पहले से खा रहे थे, उन्होंने कोई भी खाना तो नहीं शुरू किया। ये कैसी आफत है मैं आपको बताऊं कि चाइना के बारे में अमरीका जैसे लोग क्योंकि उनसे नफरत करते हैं, तो क्योंकि
वहां से ये इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई कि ये जो है वबा वहां से फैली है, तो वो उसको और डिग्रेड करने के लिए, उसको और नीचा दिखाने के लिए एक आम आदमी की नजर में वो इस तरह की बातें करें कि अच्छे चाइना का कसूर है। मैं बिल्कुल इसको चाइना का कसूर नहीं समझता हूँ। हाँ, जो बात आपने की यहां पर कुछ बल्कि यहाँ पर तो सॉरी खटक सर, यहाँ पे तो कह रहे हैं बल्कि कुछ गवर्नमेंट्स जो है वो चाइना को इंटरनेशनल कोर्ट में जो सू करने की, मतलब उनके ऊपर जो है वो केस करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हमें पता नहीं कितने ट्रिलियन का जो है वो चाइना देगा। हाँ, वो केस क्या कर रहे हैं? वो केस ये कर रहे हैं कि इनकी वजह से हमारी इकोनॉमी खराब हुई, वे केस कर रहे हैं। तो जब आप जब ऐसे बदमाश मुल्क होते हैं जो कहते हैं हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, आप ये देखिए वही जितने मुल्क हैं जो जो चाइना को ब्लेम दे रहे हैं कि उन्होंने हमारी इकोनॉमी खराब की, आप वो सारे मुल्क उठा के देख लें, उसने किसी और की इकोनॉमी जरूर खराब की होगी। तो ये माइट इज राइट वाली बात है। ये अब अमेरिका अगर कह रहा है कि, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि जी मैं इतने ट्रिलियन डॉलर्स का उसके ऊपर हुकूमती सतह पे तो नहीं आया, मगर बात उन्होंने मीडिया में चलाने शुरू कर दिया, तो बात यह कि सफर हुआ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपको याद है कुछ अर्से पहले यूरोप में एक आतिश फिशा फटा था जिसकी वजह से सारी फ्लाइट्स रुक गई थी। तो अब एक आतिश फिशा फटा था तो किसी ने ये कभी नहीं सोचा कि यूरोप के उस मुल्क को सू कर दिया जाए क्योंकि वहां पे आतिश फिशा फटा और उसके बाद जो है ना ये सारी आमदोरफ्त रुक गई है, बहुत से लोग उनका आना जाना खराब हो गया था, बहुत से लोग नहीं कर सकते थे। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर को बड़ा नुकसान हुआ था उससे, बिल्कुल टूरिज्म को भी, नेचुरल डिजास्टर है उसको उस तरीके से लेना चाहिए। मगर क्योंकि और आपको ये भी पता है कि ट्रंप की एक अलहदा सोच है, वो दुनिया से अलहदा चल रहा होता है, उसको अपने लोग पसंद नहीं करते। वो बेसिकली चाइना को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी ब्लेम कर रहा है कि उसने नहीं रोका। तो मैं आपको छोटी सी बात ये कर दूं कि जब ये चाइना का जिक्र इस तरीके से आता है तो हमेशा याद रखें कि ऐसे लोग जो के पावर में रहना चाहते हैं वो इसको पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करके लोगों के सामने यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट, मतलब जिन्हें कहते हैं जो अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर। अच्छा खटक साहब, इमरान खान ने अभी जो पिछले दिनों ट्रैक सूट पहना था जिसपे बड़ा हमारे कई बड़े बड़े साथी हैं, उस पर हमारा पूरा एक बल्कि ट्विटरिया के नाम से जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है उसमें हम लोग कर भी ये रहे थे कि उसमें जो उन लोगों की जो ट्वीट्स थी वो दिखा रहे थे। उन ट्वीट्स में बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें थी। तलत हुसैन साहब, सना बुचा, सलीम साफी, ये सारे लोग जो बात कर रहे थे कि जी ट्रैक सूट, इवन उनकी जो मिसेज है रेहम खान, उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा कि 31,000 रुपए की शर्ट ट्रैक सूट 31,000 रुपए की जो रॉल्फ लॉरेन की उन्होंने पहन के जो कर रहे हैं दुनिया के सामने जो मांग रहे हैं, एक दफा फिर भीख मंगू का नाम दे रहे थे। तो ये सारी चीजें 3 दिन बाद साबित हुआ। IMF ने वो सारे कर्जे भी पाकिस्तान की फेवर में 2022 तक रिलैक्सेशन दी। मतलब आपको पता होगा UAE, चाइना और सऊदी अरब के हमने 6, 3 और 2 बिलियन डॉलर देने थे, बिलियन डॉलर्स, तो अब उसमें भी कमी आई, डॉलर का रेट भी गिरा, बड़ा फायदा हुआ। तो इस सारी सूरत हाल को आपने किस तरह देखा? अच्छा, ये आपने बड़े बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मेरा इसमें बड़ा मिक्स किस्म का जो है ना वो एक अपना अपनी सोच है। पहली तो बात ये रह गई कि उसने, इमरान खान ने एक अपील की और उस अपील के सिलसिले में पाकिस्तान को और पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको फायदा हुआ। सो दैट इज समथिंग जो कि बहुत अच्छा था, वो इफेक्टिव था। मगर बात रह गई, क्योंकि हमारी तो अपीयरेंस के ऊपर काफी नजर होती है और हम काफी सोचते हैं, हमारे पास शायद और कोई बात थी नहीं तो हमने उसकी अपीयरेंस के ऊपर इमरान खान की बात करना शुरू कर दी। ये बात तो रह गई उन लोगों की जिन्होंने उसको तनकीद अपीयरेंस के तौर पे किया। उसको अगर इस तरह लेके जी उनको इस तरह आना नहीं चाहिए था, और ऐसा बंदा जो उसको पसंद ना करे तो वो शायद थोड़ा सा उसकी जज्बात में आ जाता। मगर क्योंकि रेहम खान का गिला तो अच्छा, मुझे एक चीज समझ आ, रेहम खान का चलो उनका तो जो गिला है क्या गिला शिकवा, हमेशा एक्स वाइफ जो होती है वो आपको पता है इसी तरह ही करती है, ये पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है, वो तो चाहे अगर कुछ भी कहें उनकी, और लेकिन बाकी जो लोग जले कटी बातें करते हैं, ये लोग सोचते क्यों नहीं कि इतना ज्यादा जो पैसा उन्होंने 76 मुल्कों का देखे फंड माफ करा दिया। शुरू में जब खान साहब ने की बात तो मैं भी ये सोच रहा था कि अभी तो ये लॉकडाउन और अभी तो ये कोरोना का सिलसिला, ये कर्जे माफ करवाने की बात कहां से लेकर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी दूर की वैसे विजन था वो। बाहर के लोग शायद इस चीज को इतना वैल्यू नहीं करते कि वो उसने क्या पहना हुआ था और क्या, क्योंकि आप जितना अच्छा भी पहन ले मगर आपकी मुल्क की हैसियत तो उनको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं दोनों को मिक्स नहीं करता। एक चीज और ऐड करूंगा खटक साहब, माजी में आपको याद होगा वसाची के सूट पहन के यूसरजा गिलानी जाया करते थे, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आपको याद है घड़ियां वो जो 56-56 करोड़ की मशहूर हुआ करती थी, और बात तो वो भी यही करते थे कर्जे माफी और ये वो। अब आप सॉरी ये बात ठीक है, मगर आपकी बात बिल्कुल सही है कि ठीक है आप एक्सपेंसिव सूट पहन के अपनी बात में वजन नहीं डाल सकते, और इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि काम से कपड़े पहन के भी आप अपनी बात में वजन रख सकते हैं अगर आपका किरदार और आपके काम इस किस्म के हों कि लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, एक बात। मगर मैंने आपको दोबारा कहा
जैसे बंदे, आप जैसे बंदे इस बात को ऐसे सोचे कि इमरान खान को शायद नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह यह कि इमरान खान लीडर है और वो उसको लोग फॉलो करते हैं। इस बात को मिक्स करना कि उसने एक अपील की ट्रैक सूट में पहन के, मेरे ख्याल में जायज नहीं है। मगर इमरान खान, क्योंकि देखिए हम इमरान खान को फॉलो जायज नहीं है, क्या मतलब एक मिनट खड़ा साहब, क्या क्या मतलब जायज नहीं है, कैसे मतलब जायज नहीं है, ट्रैक सूट में अपील करना जायज नहीं है? नहीं नहीं देखिए, मैं ट्रैक सूट की बात ये कर रहा हूँ कि इमरान खान की जो हैसियत है, मैं नहीं कहता इमरान खान को वर्साची का सूट पहनना चाहिए था, मगर देखें आप प्रोग्राम करते हैं तो आप भी सोचते हैं मुझे एक खास एक अपने उसमें आना है गेटअप में। उसका मतलब ये नहीं कि आप महंगे महंगे सूट ले रहे होते हैं, वो एक हर चीज का एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है। अब जिस तरह एक फौजी है वो एक अपने डिसिप्लिन में रहता है तो उसने अपने उसमें काम करता है। मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं डिसिप्लिन में काम करता हूँ। हाँ, मैं अगर रिलैक्स बैठा हूँ और मैं अपने पार्क में फिर रहा हूँ सूट पहन के फिर रहा हूँ तो वो हमारे माशरे में सही नहीं समझा जाता और उसको एक पढ़ा लिखा आदमी सही नहीं समझता। तो थोड़ा सा इस जाविये से जरूर देखना चाहिए। मगर ये बात कि इमरान खान ने सूट पहन के क्यों कर दी, मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। हाँ, पर्सनली तौर पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि इमरान खान जब इस किस्म की कोई ऑफिशियल बात करे तो बेशक आप इतना फॉर्मल ना हो, बट एटलीस्ट जब आपको लोग फॉलो करते हैं तो आप ऐसी सारी चीजें जरूर कहें। मैं आपको, लेकिन खटक साहब पूरी दुनिया में आप देखें, ट्रंप जब जाते हैं अपने कैंप डेविड या इससे पहले ओबामा वगैरह जाते थे, गॉर्डन ब्राउन थे, यहाँ ऑस्ट्रेलियन जॉन हॉवर्ड मुझे कई दफा मिले थे वॉक करते हुए, रनिंग करते हुए नॉर्मल में, वहां लोग उनसे बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते हैं वो अपने बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में, क्योंकि असल बात तो टॉपिक जो कंटेंट है उस पर बात है ना, ड्रेसअप तो जरूरी हम लोगों के लिए शायद। मैं आपकी बात सही है, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ, मतलब पर्सनली करता एक सिर्फ बात आर्ग्यूमेंट के तौर पे, कि आपको कल इमरान खान के पास आप जा रहे हो इंटरव्यू लेने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए आप जाए और अल्लाह आपको लेके भी जाए, तो क्या आप ट्रैक सूट पहन के जाएंगे? दो तीन दफा तो गया हूं ऐसे। नहीं, मगर आप ट्रैक सूट पहन के तो नहीं जाएंगे, आप जरूर एक ऐसे उसमें जाएंगे कि वो आपके काम और आपके प्रोफेशन से मुताबकत रखता हो। सिर्फ मेरी बात यह है कि थोड़ा सा आपको ये ख्याल करना चाहिए कि मुताबकत होनी चाहिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं। हाँ, मैं पर्सनल मैं पार्क में फिर रहा हूँ, कोई आके मेरा इंटरव्यू करता है या आपका करता है या इमरान खान साहब का करता है, ऑफ कोर्स आप किसी और उसमें, बट व्हेन आई कम हियर एंड आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू या मैं वर्ल्ड लीडर से बात कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे उसका थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बट एज आई सेड, मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक, नहीं सही आपका पॉइंट आ गया। मेरी सोच है कि इंसान लिबास से बहुत बड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रमजान का महीना आ रहा है, खटक साहब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आज भी बात हुई, तरावियां भी होंगी, नमाजें पढ़ी जाएंगी, आपके ख्याल में आप मस्जिदों को वैसे लॉकडाउन करने के हक में हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं आपको इसी के साथ ऐड कर लें कि मुफ्ती मुनीब साहब की कुछ स्टेटमेंट जिस पर आप काफी दिल गिरफ्ता भी थे कि उन्होंने कुछ कहा था, अमल दखल दिया था, तो उस पर क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं दो बातें आपने की, मैं पहले आपको अपनी जाती बात बता दूं, क्योंकि रमजान आ रहा है और आप यकीन माने कभी होता है ना, आपको कोई कोई कह दे कि जी आपको एक हफ्ते बाद आपकी जॉब शुरू होने वाली है, तो आपका वो हफ्ता बड़ा अच्छा गुजरता, बड़ा एक्साइटमेंट में कि यार वो जॉब शुरू होगी और मैं उसको देख रहा था, दिस इज समथिंग दैट टेंशन है, टेंशन भी हो जाती है, या टेंशन तो, मगर खुशी जरूर होती है कि आप मतलब एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, एक स्ट्रेस होता है, मगर वो खुशी वाला होता है, आप उसमें परेशान नहीं हो रहे। ये जब से रमजान करीब आ रहा है और ये सारा लॉकडाउन है और आप और मैं जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे भी लॉकडाउन है, दिल मेरा दिल खुद खून के आंसू रो रहा है कि हम उस तरीके से इबादत कर नहीं सक रहे जिस तरह हम चाहते हैं, जिस तरह हम आज तक करते रहे हैं। मगर अगर हम इसको इस तरह लेके एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और जब पूरी दुनिया रुकी हुई है तो ये वाकई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। मैं ये समझता हूँ, मेरा मजहब, हाँ मेरा सब, एक सेकंड, कुछ लोगों की उस दिन बात, किसी बंदे ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उसने कहते सबसे पहले चाइनीज जो है उनका न्यू ईयर गया, उसके बाद ईसाइयों का ईस्टर गया और अब आ रहा है मुसलमानों का रमजान और ईद, तो हो ही नहीं सकता कि ये भी हो जाए, तो क्या ये कॉन्स्पिरेसी की स्मेल आ रही है आपस में? नहीं, मैं देखें, ये तो किसी तरीके से भी आप देखें, आप अपने आप समझे कि मेरे बहुत दुश्मन है और हर बात को दुश्मनी में ले जाएं और एक नेचुरल डिजास्टर को भी हम आप लोगों की दुश्मनी को लेके आए, तो ये हमारी अकल पे दाद देनी चाहिए इस बात पे। बात ये है, देखें वाकई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, हमें इसके हिसाब से चलना चाहिए। और नहीं, वो कॉन्स्पिरेसी बात करना चाह रहे थे, शायद वहां पे इन लोगों का बंद हुआ है तो वहां पे भी ये लोग नहीं जा सकेंगे, अब इनके भी हज और उमरा और ये चीजें सारी रुक जाएंगी, तो शायद उस पर बात ही। मुझे ये बताएं कि मस्जिदें लॉकडाउन पे आप क्या समझते हैं? देखिये, मैं ये समझता हूँ कि मस्जिद का मतलब ये जो लॉकडाउन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इबादत ना करें। अल्लाह ताला ने, अगर मुझे ये देख रहे कि अल्लाह ताला ने आपको नमाज हर सूरत में बता दी है कि अगर आप सेहतमंद है तो आप ऐसे नमाज पढ़ें, अगर आप बीमार है तो आप ऐसे नमाज पढ़ें, और बीमारी की भी हालत में आपको बता दिया गया है। मगर किसी ने आज तक कहा है कि नहीं, अगर आप बीमार भी हैं और आप उठ भी नहीं सकते मगर खड़े होकर जरूर पढ़नी है, क्योंकि खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए।
हर इस्लाम बहुत आसान है, उसमें अल्लाह ताला आपकी नियत देखता है। मतलब लॉकडाउन ठीक है, मस्जिदें बंद कर देनी चाहिए, अब ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन यही बात बड़ी, देखिए ना, इस बात को ऐसे मत लेके जाए कि मस्जिदें बंद करनी चाहिए। मैं अब आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। अगर जो जो आजकल का जो जो मेडिसिन ने या जो सॉरी जो लोग आपके मेडिकल वो है जो जो प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने जब ये कहा है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रख के, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये कि खास फासला रख के अगर आप अपनी इबादत करें तो फर्क नहीं पड़ता, तो मैं समझता हूँ ऐसे कर लेना चाहिए। मगर मैं ये बात आपको बताऊं कि हर बंदा ऐसे शायद नहीं कर सके, ठीक है, हर बंदे में शायद इतनी समझ बूझ ना हो, हर बंदा उसकी वजह से, जगह की भी वजह हो सकती है, बाजी की भी वजह हो सकती है। तो ब्रॉडर सेंस में जब आप लेते हैं तो कानून पे और तरीके से बनाते हैं। अच्छा खट्टर साहब, कुछ एहतियाती तदाबीर तो हम कर सकते हैं, मतलब अगर हम घर से वजू करके जाएं, मास्क पहन के जाएं, जब हम जाएं तो मेक श्योर करें कि इतना हमारा एटलीस्ट 6 फुट का फासला हो। हुकूमत भी तो यही चाहती है। और मैंने जो मैं सोच रहा था इस बात पर, तो मेरे ख्याल में हम लोग अगर शादी ब्याह पर इतने इतने बड़े कनाते और टेंट और ये चीजें लगा देते हैं, तो इस दफा हम लोग अगर हर मोहल्ले में अगर 4 मस्जिदें हैं तो उनको 40 मस्जिदों में क्यों नहीं तकसीम कर देते, छोटी छोटी मस्जिदें बनाएं और सब लोग उसमें डिस्टेंस बनाकर, बच्चों के लिए अलहदा हो, बड़ों के लिए अलहदा हो, एक इस तरह का निजाम बना लें जहाँ पे आबादी ज्यादा है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बहुत इसमें हम बहुत अच्छी बात है फासले पे करें, तो ये सही नहीं है आपके ख्याल में? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक 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 प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत इकट्ठे करीब करीब नहीं होना। अगर आप अपने आप को दूर रख के इबादत कर सकते हैं तो क्यों ना करें। मगर अगर मैं ये कहूं कि नहीं जी मैंने कंधा जोड़ के ही नमाज पढ़नी है, ठीक है, तो फिर वो शायद थोड़ा सा गलत है। आप ये सोल्यूशन मेरे ख्याल में लोग खुशी से देखें ये चीजें, कुछ हो सकता है बाजू का नहीं करते। लेकिन मैं एक बड़ी अच्छी चीज पढ़ रहा था उसमें था कि अगर प्याज खा कर मस्जिद में जाने का हुक्म नहीं है तो फिर बीमारी अगर है या नहीं, अब क्योंकि पता तो नहीं है किसको है किसको नहीं, उसको कैसे हुक्म हो मस्जिद जाने का। ये वैसे बड़ी सॉलिड बात थी किसी की। ये आपकी बात बहुत अच्छी है। मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसी तरह ही से बात डिस्कशन हो रही थी, वो कहते हैं कि जी देखें ये तो अल्लाह की तरफ से आई है और वो वहां से ही इसको खत्म होना है, हमें इस पे परेशान नहीं होना। तो मैंने उनको कहा देखें मेरी बात सुने, अगर आपके घर में बूढ़ी वालदा बैठी है, ठीक है, और आप ये समझते हैं कि ये नहीं होगा, ठीक है, तो आप ये समझे कि वो तो शायद मस्जिद नहीं जा रही, मगर मेरे जाने से मैं वो कोरोना वायरस या वो वायरस अपने घर अपनी माँ को लगा सकता हूँ। तो मुझे बताएं। अच्छा खटक साहब, एक चीज में थोड़ा सा डिफर करूंगा यहाँ पे। देखें आप, ये मस्जिदों में जाने पर हम लोग इतना ज्यादा शोर मचता है ना कि जी मस्जिद में चले गए लोग, जी बड़ी आफत आ गई। अब दूसरी तरफ देखें, ज्यादातर मीडिया में, अब कल परसों वो हमारे नेटवर्क पे किसी ने बड़ी अच्छी लड़के ने खबर भी लगाई हुई थी कि वो जो लोग शो में कर रहे थे बातें, उसी शो में वो खुद जुड़ जुड़ कर बैठे हुए थे और नीचे खबर आ रही थी कि जुमे की मस्जिद में लोग जुड़ कर बैठते हैं। तो ये लोग टारगेटेड बात करते हैं जानबूझकर, जो है ना, मजहब को सेंसिटिव करने के लिए मेरे ख्याल में। अच्छा खटक साहब, प्रोग्राम खत्म करने के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो आपसे इंशाल्लाह जरूर बात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।